पीएम मोदी सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात। आज कार्यक्रम का 110वां एपिसोड होगा प्रसारण। पीएम मोदी सुबह 9:30 बजे द्वारिकाधीश मंदिर में दर्शन करेंगे, 48,000 करोड़ की सौगात भी देंगे। आज गृहमंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश का दौरा, भोपाल में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे, लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। बीजेपी मुख्यालय में यूपी को लेकर हुई बैठक, अमित शाह नड्डा सीएम योगी रहे मौजूद, कमजोर सीटों पर हुआ मंथन। यूपी की सीटों पर 27 फरवरी तक 3-3 नामों का पैनल बनाकर देने का निर्देश, बैठक में यूपी के एमएलसी राज्यसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई। आज से देश भर में बीजेपी शुरू करेगी लाभार्थी संपर्क अभियान, घर घर जाकर नेता लगाएंगे मोदी की गारंटी का स्टिकर। 1 जुलाई से देश में लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना, हिट एंड रन में बदलाव अभी लागू नहीं होगा। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच 5 राज्यों में गठबंधन, दिल्ली हरियाणा गुजरात गोवा चंडीगढ़ में 7, पंजाब में दोनों अलग अलग लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली में लोकसभा की सीटों पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच सीटों का बंटवारे का ऐलान, आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। गुजरात की भरूच लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी को देने से अहमद पटेल का परिवार नाराज है, फैसल पटेल ने कहा भरूच सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ही जीत सकता है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा इंडिया गठबंधन में 7 राज्यों में सीट बंटवारे पर सहमति, एनडीए में अब तक क्यों नहीं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन पर बीजेपी ने निशाना साधा है, कहा गठबंधन नहीं हुआ ठगबंधन हुआ है, जिनको जेल भेजना चाहते थे उन्हीं से गठबंधन किया। एलजी सक्सेना ने सीएम केजरीवाल से दिल्ली का बजट जल्दी पेश करने को कहा है, पूछा बजट पेश करने में क्यों हो रही है देरी, लोगों को जानने का हक कि बजट में क्या है। राज्यसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैठक बुलाई है, आज लखनऊ में विधायकों के साथ तैयार होगी रणनीति। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी आज मथुरा में करेंगे विधानमंडल दल की बैठक, राज्यसभा और लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका, नांदेड़ में पूर्व सीएम अशोक चव्हाण की मौजूदगी में 55 कांग्रेस के पार्षद बीजेपी में शामिल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस निकालेगी राम यात्रा, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किया ऐलान, कहा बेरोजगार भक्तों के लिए शुरू करेंगे राम यात्रा। एमपी बीजेपी अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा का बयान, कहा जीतू पटवारी पहले दिग्विजय सोनिया राहुल से पूछ ले, दोहरा चरित्र ना रखे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा टीएमसी से अभी भी बातचीत चल रही, टीएमसी के लिए दरवाजा हमेशा खुला है, बीजेपी को हराना मकसद। तेजस्वी यादव का नीतीश पर निशाना, कहा नीतीश चाचा से बिहार नहीं चलेगा, चाचा ने पलटी मारने में रिकॉर्ड बनाया, साल में 3 बार शपथ। आज आगरा में राहुल प्रियंका गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे अखिलेश यादव, कल से 1 मार्च तक बंद रहेगी यात्रा। मुरादाबाद में राहुल गांधी ने कहा सरकार आपकी जेब काट रही, लोगों का ध्यान भटकाकर देश को लूट रहे पीएम, मैं नफरत की दुकान बंद करने निकला हूं। महाराष्ट्र के नासिक में डॉक्टर पर हमले के बाद सनसनी हमलावर ने धारदार हथियार से 18 वार किए हैं। बखमुट में यूक्रेनी सेना के BMP-2 का कहर, रूसी सैन्य बेस के करीब घरों में भारी गोलीबारी, यूक्रेनी गांव रुबोटाइन में घुसने में कामयाब हुई रूसी सेना, यूक्रेन ने 2023 में रुबोटाइन पर कर लिया था दोबारा से कब्जा।